शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22/11/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मीठे मीठे बाप दादा स्वयं अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो हमें नई दुनिया बुद्धि में घूमनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया का ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रश्न है आज का, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? उत्तर है, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। बहुत अच्छी बात बाबा ने हम बच्चों को बताई, जो बिल्कुल कम मेहनत और प्राप्ति ज्यादा, और वो है युक्ति कि सच्चे बाप से सदा सच्चे रहे। कहते हैं ना, सच्ची दिल मुराद हासिल, सच्चे दिल पर सच्चा साहिब राजी। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख करके दे दो। हाँ, ये बाबा युक्ति भी बता रहे हैं। हमें यदि निर्बोध होना है, यदि हमें पाप कर्म का बार बार पश्चाताप न करना है, तो क्या करना पड़े? हम अपनी गलती जो है वो फौरन अपने प्यारे मीठे बाबा को लिख करके दे दे। तो सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। अभी आप कई सोचेंगे कि भाई बाबा तो सामने है नहीं, फिर हम क्या करें, किसको सुनाएं? तो एक तो हम लिख करके बाबा के कमरे में रख दें, या बाबा को इमर्ज करके योग में बैठें और बाबा के पास रख दें, सुनावें बाबा को। और फिर यदि हमारे में सच बोलने की हिम्मत है, यदि हम निमित्त से नहीं डरते हैं, तो फिर हमारा काम है कि हम निमित्त जो भी हो उनको लिख करके हम दे दें, जैसे कि हमने बाबा को लिख करके दे दिया। तो बाबा कहते उससे क्या होगा, असर कम हो जाएगा, नहीं तो उस भूल की वृद्धि होती जाएगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। अगर हम निमित को लिखते हैं तो निमित फिर क्या करते हैं, ऊपर बताते हैं, तो हमें उनके द्वारा कोई ना कोई श्रीमत मिल जाती है, जिससे हमारी भूल हम जल्दी सुधार सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है, कोई भी उल्टी सुलटी बातें नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है, किसी भी बात में बिगड़ना नहीं है। अक्सर होता क्या है कि जो बात हमें अच्छी नहीं लगी या किसी ने हमारा कहना माना नहीं, तो हम क्या करते हैं, तुरंत बिगड़ पड़ते हैं, और बिगड़ करके कुछ ना कुछ अपनी स्थिति बना करके उस व्यक्ति को बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो बहुत कुछ अवस्था ऊपर नीचे कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी बात में बिगड़ना नहीं है। नंबर दो है, मुरली का सिमरन करना है, जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है, मन मना भव का व्रत रखना है। हाँ, व्रत तोड़ा नहीं जाता है, तो व्रत रखना है। वरदान है आज का, सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव, अनेक भक्त रूपी पत्ते, आत्माएं माना जो पत्ते के रूप में है, बाबा कहते हैं वो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से
अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो, क्योंकि शक्ति का दान हम कभी दे सकते हैं जब हम पावरफुल योग में रहते हैं। और पावरफुल योग की स्थिति क्या है? बीज रूप की स्थिति में स्थित होना। तो उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। और पावरफुल योग की स्थिति कैसे बनती है? तो बाबा ने बताया कि हमारी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हमारे योग को पावरफुल करेगी। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो और उनको प्राप्ति कराओ। स्लोगन है, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। जैसे कहते ना, बड़े बैठे हैं, अनुभवी हैं, तो उनकी छत्र छाया में परिवार सुखी रहता है। तो बाबा भी कहते हैं सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया अर्थात अपने परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना हमारे अलौकिक जीवन की सलामती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।